फ्रेंड्स, लर्न एस्ट्रोलॉजी विद अनिल कौशल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 14 की, और साथ में आपको ये भी बता देता हूँ कि जो पिछले वीडियोस हैं वहाँ पे हम मेष राशि के बाद वृषभ राशि के जो अवलोकन हुए हैं उनका अवलोकन नंबर 16 तक कवर किया था। यदि आप पहले वाले अवलोकन देखना चाहते हैं तो मेरे पहले वाले वीडियोस देखो, उससे आपको ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं आज के अवलोकन की। हम बात करेंगे अवलोकन नंबर 17 की। अवलोकन नंबर 17 बोलते हैं, ग्यारहवें भाव का बृहस्पति जातक को धन संपत्ति संचित नहीं करने देता। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जरूरी है कि हम इसको बनाएं वृषभ राशि की कुंडली। वृषभ राशि की कुंडली, ये ग्यारहवां भाव है, यहाँ पे आपने कंसंट्रेट करना है और वृषभ राशि की कुंडली बनाते हैं। ये वृषभ राशि को हमने लग्न में रख दिया, 3-4 इसी तरह हमने पूरे के पूरे राशियां जो है 12 के 12 घरों में लिख देनी है। जब 12 के 12 घरों में लिखा तो आपको पता चला कि यहाँ पे 12 नंबर राशि आ गई, जो बृहस्पति की अपनी ही राशि है। फिर भी अवलोकन नंबर 17 बोलता है कि ग्यारहवें भाव का बृहस्पति इंसान को धन संचित करने से रोकता है, या टॉरस राशि में ग्यारहवें घर का बृहस्पति धन संचित नहीं होने देता। तो बहुत सिंपल सी बात है, बृहस्पति जुपिटर क्यों नहीं होने देता। आठवें घर का स्वामी है ये, एट्थ हाउस इज ए हाउस ऑफ हर्डल्स, और इसे अंधेरा घर भी बोलते हैं, अंधेरा घर। और दूसरी बात, यहाँ पे बैठा हुआ बृहस्पति 5 नंबर घर को देख रहा है, फिफ्थ हाउस, जो के शो ऑफ का घर है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का घर है, रिस्क टेंडेंसीज का घर है। इंसान रिस्क लेने लग जाता है, इसमें वो पैसा गवा देता है। ये रोग का भी घर है, रोग का घर, इसलिए। और यहाँ से बृहस्पति पांचवी दृष्टि से तीसरे घर को देख रहा है, ऐसा व्यक्ति अपने भाई बहनों पे भी पैसा खर्चता है। सातवीं दृष्टि से बच्चों के घर को देख रहा है, तो ऐसा व्यक्ति अपने बच्चों पे भी खर्चा करता है। और नौवीं दृष्टि से सेवंथ हाउस को भी देख रहा है, ऐसा व्यक्ति अपने स्पाउस पे भी पैसा खर्चा करता है। इसलिए धन संचित होने के लिए बचता ही नहीं है। चलिए अब बात करते हैं हम अवलोकन नंबर 18 की। अवलोकन नंबर 18 बोलता है, बारहवें भाव में बृहस्पति, ये यहाँ पे रखेंगे बृहस्पति को, जुपिटर को यहाँ पे रखेंगे, या शनि और सैटर्न, चाहे बृहस्पति हो या शनि हो, या नवें दसवें ग्यारहवें भाव का बुध हो, ये नौवां घर है बुध, और बुध ये और है, ये भी और है, चाहे यहां हो, ये नवा भाव है, नाइन्थ हाउस है, ये टेंथ हाउस है, ये इलेवंथ हाउस है। जातक को दिवालिया बना देता है, इतनी बड़ी बात। बारहवें भाव में बृहस्पति या शनि हो, ऐसे में चाहे नौवें भाव में, चाहे दसवें भाव में या ग्यारहवें भाव में बुध हो, जो जातक को दिवालिया बना देते हैं। कितनी बड़ी बात बोली, बड़ी सिंपल है, लेकिन सिंपल है लेकिन बहुत बड़ी है, समझने की बात है। बुध यहां पे पांचवें घर का स्वामी है, मरकरी इज फिफ्थ लॉर्ड, इसलिए पांचवा घर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का होता है, लव अफेयर का होता है। पांचवा घर आपके जोश का होता है, शो ऑफ का होता है। जब यहां का बुध नौवें घर में, दसवें घर में, बारहवें घर में, ग्यारहवें घर में आ जाएगा तो इंसान को स्पेंड थ्रिफ्ट बना देगा, रिस्क टेकर बना देगा, लव अफेयर में खोया हुआ बना देगा। ऐसे में यदि बारहवें घर का बृहस्पति है, जो ग्यारहवें घर का भी स्वामी है, आठवें घर का भी स्वामी है, तो
उसको और बढ़ावा देगा, उसकी इस प्रवृत्ति को और बढ़ावा देगा, जिससे वो व्यक्ति का दिवालिया होना स्वाभाविक है। आशा करता हूं ये अवलोकन नंबर 17, 18 और 19 आपको समझ आ गए होंगे। नहीं समझ आया तो दोबारा रिवर्स करके दोबारा आप वीडियो को देखिए, आपको ज़रूर समझ आएंगे। और एक निवेदन और है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।